हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। तो ये है हमारी क्लास फोर्थ JNK की ज्योग्राफी पर। इसके बाद सिर्फ एक और क्लास आएगी एंड हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर मैं ऑफिस में बैठ के बना रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो तो आप एडजस्ट करना मेरे साथ। आज मैं आपसे एक ट्रिक भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आराम से सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ट्रिक ये है कि देखिए, सबसे पहले आप लेक्चर को स्टोरी की तरह सुनिए, एक बार कंप्लीट सुनिए एंड सेकेंड टाइम जब आप सुनेंगे तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, नोट्स हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को रिकॉल करने में और मेमोराइज करने में। आज की वीडियो में भी मैं आपसे चार क्वेश्चंस पूछूंगा हमेशा की तरह, और उनके आंसर वीडियो के अंदर ही हैं, तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा एंड उनके आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो चार क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं। इन विच ईयर श्राइन बोर्ड वॉज मेड, श्राइन बोर्ड कौन से साल में बना था। विच गार्डन इज नोन एज गार्डन ऑफ जॉय। थर्ड क्वेश्चन है, चश्मे शाही वॉज बिल्ड इन विच ईयर, चश्मे शाही कौन से साल में बना था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द वर्ड हजरत मीन इन हजरत बल श्राइन। इन चारों के आंसर इसी वीडियो में है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, चारों के आंसर्स ढूंढने हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में करने हैं। ओके, तो इस वीडियो पे मैंने टोटल 30 डेस्टिनेशंस कवर किए हमारे JNK की। ये एक वीडियो आपके JK SSB के हर एक एग्जाम में काम आएगी, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, अकाउंट असिस्टेंट का हो, क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट का हो, कोई भी एग्जाम आप JK SSB का लेंगे, ये एक वीडियो देखेंगे तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने हर एक डेस्टिनेशन को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझाया है। चलिए पहले शुरू करते हैं अमर महल पैलेस से। तो अमर महल बनना शुरू हुआ था 1862 में, और बनते बनते ये 1890 में जाके कंप्लीट हो पाया था। ये सारा जो प्लान किया गया था, ये एक फ्रेंच आर्किटेक्चर द्वारा प्लान किया गया था। इसको अमर महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि महाराजा अमर सिंह के नाम पे रखा गया है। महाराजा अमर सिंह महाराजा हरि सिंह के फादर थे और डॉक्टर करण सिंह के ग्रैंडफादर थे। अमर महल सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। इस समय डॉक्टर करण सिंह ने इसको हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया हुआ है। हरि तारा क्या हो गया, हरि हो गया महाराजा हरि सिंह, और तारा उनकी वाइफ थी जिनकी डेथ 1967 में हुई थी। जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पर, वो है यहाँ पे एक थ्रोन पड़ा हुआ है जो गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड वो थ्रोन है। थ्रोन क्या होता है, जिसपे राजा महाराजा बैठते हैं, और इसका वेट है 120 kg। नेक्स्ट है हमारे पास अखनूर फोर्ट। तो अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी मियां तेज सिंह ने इन 1762, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसे कंप्लीट किया था राजा अलूम सिंह ने इन 1802। जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं अखनूर फोर्ट की, इसके पीछे जो आर्किटेक्चर रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका नाम था उस्ताद बैग कश्मीरी। बहुत सुंदर जगह है ये, और ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर बैंक ऑफ चिनाब रिवर। नेक्स्ट है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के साथ एक कहानी है। कहानी ये है कि ये 3000 साल पुराना है, यानी कि महाराजाओं के रूल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी एक रेनोवेशन ज़रूर करवाई थी 18वीं सेंचुरी में, और ये भी सिचुएटेड है तवी रिवर के अलोंग। दिखने में ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है क्योंकि ऊपर ही हिंदू गॉडेस काली माता का टेम्पल है, जिसको हम बावे वाली माता टेम्पल भी कहते हैं। ये टेम्पल अपने में इसकी बहुत मान्यता है, बहुत सुंदर है ये टेम्पल, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बावे वाली माता। बावे वाली माता के टेम्पल को लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग इन्हें माँ काली टेम्पल बोलते हैं, तो कुछ काली माता टेम्पल बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मूर्ति है, ये ब्लैक स्टोन पे बनाई गई थी और 1822 में बनाई गई थी। ये मंदिर भी लोकेटेड है ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ तवी। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत लंबी कतारें लगती हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ डू मेक अ विजिट, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो नेक्स्ट इज मिनी कश्मीर, दैट इज भद्रवाह। तो भद्रवाह एक शहर है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीजन के। बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है। इसे मिनी कश्मीर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने कश्मीर को ब्लेसिंग्स दी हैं और कश्मीर बहुत सुंदर है। इसी वजह से यहाँ पर भी वही ब्लेसिंग्स कुदरत ने दी है, और भद्रवाह भी बहुत सुंदर है। समर्स में यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं कि होटल की बुकिंग्स तक नहीं मिल पाती हैं। अगर आप यहाँ पे अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आप बार बार जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक वो जगह जहाँ पे यूजुअली रॉयल फैमिली शेल्टर लेती थी, इमरजेंसीज के वक्त छुपती थी वहाँ जाके अगर इमरजेंसी कोई आती थी,
तो रॉयल फैमिली वहां जाके छुपती थी। ये है वो जगह जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए सेफ मानी जाती थी इन द केस ऑफ इमरजेंसीज। इसका नाम है भीमगढ़ फोर्ट, इसको एक और नाम से जाना जाता है रियासी फोर्ट। तो बेसिकली ये 150 मीटर हाई है और इसके आसपास सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं। तो बेसिकली ये जगह क्या थी, ये जगह सेफ मानी जाती थी रॉयल फैमिली के लिए। एक और ऐसी जगह है हमारे पास जो डोगरा डायनेस्टी की फोर्सेस के लिए भी सेफर मानी जाती थी, उसका नाम है धानीदार फोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास धानीदार फोर्ट। धानीदार फोर्ट को बनाने के पीछे मेन इंटेंशन ही ये था कि डोगरा फोर्सेस को एक सेफर जगह पे रखा जा सके। ये प्लेस लोकेटेड है रजौरी में और ये 1855 में कंप्लीट हुई थी। तो बेसिकली जो यहाँ पे फोर्सेस रखी जाती थी, इसके अलावा यहाँ पे फार्मर्स भी अपना काम करते थे और ग्रेन्स वगैरह यहाँ पे कल्टीवेशन एंड ग्रो वगैरह करवाई जाती थी। तो धानीदार फोर्ट के बाद जो हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये 1883 में बना था और ये शालामार रोड पर है जम्मू में। बहुत सुंदर टेम्पल है ये। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि 8 फीट लंबी है और वो ब्लैक स्टोन पे बनाई गई है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट शिव टेम्पल है इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानसर, और बात करेंगे मानसर लेक के बारे में। मानसर लेक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिकनिक स्पॉट है जम्मू का, और जम्मू से ये 62 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड आई एम श्योर अगर आप जम्मू से है आपने जरूर विजिट किया होगा यहाँ पे। ये मानसर लेक की खूबसूरती उसके आसपास की ग्रीनरी की वजह से और बढ़ जाती है, और यहाँ पर एक बहुत पुराना एंशियंट मंदिर भी है। नेक्स्ट अब हम इस सीरीज में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रॉयल फैमिली के रॉयल रेजिडेंस के बारे में। तो मुबारक मंडी पैलेस की वो जगह है जहां पे डोगरा डायनेस्टी के राजा महाराजा रहते थे। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये मिक्सचर है राजस्थानी, यूरोपियन और मुगल स्टाइल का। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और 1824 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी इसमें कॉम्प्लेक्सेस ऐड होते रहे अगले 150 साल तक। आज अगर आप इसे देखेंगे जाके तो इस बिल्डिंग की कंडीशन पहले के मुकाबले काफी खराब हो चुकी है। हालांकि गवर्नमेंट इसमें रेनोवेशंस कर रही है, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। होपफुली गवर्नमेंट इसे मेंटेन कर पाए ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशंस भी इस चीज को देख पाए। नेक्स्ट अब जो हम इस सीरीज में पढ़ेंगे वो है पत्नी टॉप के बारे में। पत्नी टॉप एक टूरिस्ट लोकेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के। बेसिकली जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो नेशनल हाईवे पे 112 किलोमीटर दूर जम्मू से पत्नी टॉप आता है। यहां से चिनाब रिवर भी बहती है। पत्नी टॉप तो बहुत फेमस जगह है, लेकिन इससे भी लेसर फेमस जगह है एक नथा टॉप, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज में। तो नेक्स्ट है हमारे पास नथा टॉप। नथा टॉप के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गर्मियों में ली गई तस्वीर है। यूजुअली नथा टॉप ऐसा नहीं दिखता। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बिकॉज सिंस ये पत्नी टॉप से भी ऊपर है तो नेचुरली जब आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा, इसलिए यूजुअली यहाँ पे स्नोफॉल दिखती है। आसपास यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और ये बेस्ट जगह है फॉर नेचर लवर्स। अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जम्मू का फेमस फिश एक्वेरियम। इस सीरीज में हम पहले बाहू फोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। बाहू फोर्ट के बिल्कुल ऊपर ही ये फिश एक्वेरियम है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है। अंडरग्राउंड है ये, बहुत ज्यादा फिशेज की इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा फिशेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक ये विजिट नहीं किया है तो प्लीज डू मेक अ विजिट। नेक्स्ट इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल, बेसिकली वर्ड रघुनाथ का मतलब है लॉर्ड रामा। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी डोगरा डायनेस्टी के पहले रूलर ने, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह ने इन 1835, लेकिन इसे कंप्लीट किया था उनके बेटे ने, दैट इज महाराजा रणबीर सिंह ने इन 1860। ये सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर तवी, और जो आसपास बाजार है उसका नाम भी रघुनाथ बाजार है। बहुत फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट अब जो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे दैट इज सनासर। सनासर बेसिकली जम्मू प्रोविंस में लोकेटेड है। बेसिकली जब आप पत्नी टॉप जाएंगे तो 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ सनासर आता है। ये कॉम्बिनेशन है दो विलेजेस का, एक का नाम है सना, दूसरे का नाम है सर। बेसिकली यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी पड़ती है जिसका नाम है शांता रिज। शांता रिज में जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वहां 400 साल पुराना एक मंदिर है जो कि डेडिकेटेड है टू नाग शंखपाल। एक्चुअली ये जो माउंटेन है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर ये टेम्पल लोकेटेड है,
बहुत सुंदर जगह है, पत्नी टॉप की तरह ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पिकनिक स्पॉट है। नेक्स्ट आप जो इस सीरीज में पढ़ेंगे वो है महामाया टेम्पल। महामाया मंदिर को हम एक और नाम से बुलाते हैं, मोमाया मंदिर। बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है। यहाँ पे एक लोकल फीमेल फ्रीडम फाइटर थी जिनका नाम था महामाया। यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेजन हुई तो उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था यहाँ के लोगों के लिए, तो उन्हीं के याद में ये टेम्पल बनाया गया है। बहुत सुंदर टेम्पल है। नेक्स्ट जो हम टेम्पल इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो द मोस्ट फेमस टेम्पल है, द अल्टीमेट टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल या वैष्णो देवी केव को लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। कोई इन्हें माता रानी बोलता है, तो कोई त्रिकुटा बोलता है, तो कोई वैष्णवी बोलता है। बेसिकली ये स्वरूप है माता आदिशक्ति का, जिन्हें हम महालक्ष्मी भी बोलते हैं और मैत्रिका भी बोलते हैं। 1986 में श्राइन बोर्ड बना था, और जब से श्राइन बोर्ड बना है यहाँ के टूरिज्म में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। यहाँ तक कि पिछले साल दैट इज 2018 में मोर देन 85 लोग, लगभग 86 लाख लोग यहाँ पर आए थे, और इस वजह से ये पूरे भारत का सबसे ज्यादा विजिटेड टेम्पल बन जाता है लास्ट ईयर में। ठीक है, माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है और माँ के भवन पे खत्म होती है। तो इस वीडियो में टोटल हमने 17 डेस्टिनेशंस पढ़ी थी सारी जम्मू की। अगली वीडियो में अमरनाथ गुफा या अमरनाथ केव के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी में हमारे पास 18 शक्ति पीठ हैं, और अमरनाथ उन 18 शक्ति पीठ में से एक है। ये 141 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और पहलगाम के थ्रू यहाँ पर जाया जाता है। अमरनाथ गुफा की जो अंदर से हाइट है, जो गुफा है उसके अंदर से जो हाइट है वो 131 फीट है। बेसिकली होता क्या है कि जो गुफा है इसका जो रूफ है ना, वहाँ से पानी की बूंदें नीचे गिरती रहती हैं, और जब वो फ्रीज होती हैं, जब वो जम जाती हैं, तो वहाँ एक शिवलिंग बन जाता है। जो अमरनाथ गुफा है इनके बारे में महाभारत और पुराण में भी जिक्र किया गया है। जिनको महाभारत और पुराण नहीं पता, ये हिंदुओं के टेक्स्ट हैं। ठीक है, महाभारत और पुराण, ये वीडियो मैं 2019 में बना रहा हूँ, और इस साल अमरनाथ यात्रा में 3,43,000 यात्री गए थे, और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शालीमार बाग, द मोस्ट फेमस शालीमार बाग। तो शालीमार गार्डन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ, ताकि आपके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बेसिकली जो हमारी डल लेक है, द फेमस डल लेक है, उसके पास में तीन गार्डन्स हैं हमारे पास। एक है शालीमार गार्डन, एक है निशांत गार्डन, और एक है चश्मेशाही। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है शालीमार गार्डन, उसके बाद आता है हमारे पास निशांत गार्डन, एंड थर्ड नंबर पे आता है चश्मेशाही। इसमें हम बात करेंगे शालीमार बाग के बारे में। शालीमार बाग, या फिर आप इसे शालीमार गार्डन कहें, या फराबख्श कहें, या फैज बख्श कहें, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये गार्डन बेसिकली मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए, और ये बनाया गया था 1619 में। शालीमार बाग को हम बहुत प्राउडली क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं। ये जो पूरा गार्डन है ये 31 एकड़ में फैला हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, तो बेसिकली तीन गार्डन थे, शालीमार, निशांत और चश्मेशाही। अभी हमने शालीमार पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं वो है निशांत गार्डन। तो निशांत गार्डन भी हमारे पास एक मुगल गार्डन है, और ये भी शालीमार बाग की तरह डल झील के पास है। निशांत एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है खुशी, तो इसलिए निशांत गार्डन का मतलब हो गया गार्डन ऑफ जॉय। ये गार्डन 1633 में बना था, और ये बनाया गया था बाय आसिफ खान। आसिफ खान कौन थे? आसिफ खान नूर जहां के भाई थे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है जिसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। बेसिकली ये गार्डन बनाया गया था 1633 में बाय आसिफ खान, और जब ये गार्डन बनाया था उन्होंने यहाँ पे शाहजहाँ को लेकर आया था। जब वो शाहजहाँ को यहाँ लेकर आए तो शाहजहाँ को ये गार्डन बहुत सुंदर लगा, वो हैरान हो गए थे इस गार्डन को देख के, बार बार इसकी तारीफ कर रहे थे। बेसिकली वो चाहते थे कि आसिफ खान उनको ये गार्डन गिफ्ट कर दे, बट आसिफ खान ने ऐसा किया नहीं। तो गुस्से में एक दिन आकर शाहजहाँ ने यहाँ की वाटर सप्लाई बंद करवा दी, और आपको पता है पानी किसी भी गार्डन की हार्ट बीट होती है। तो ये गार्डन बेकार होना शुरू हो गया,
एक दिन आसिफ खान उदास बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उनके सर्वेंट ने जाके वाटर सप्लाई ऑन कर दी। लेकिन आसिफ खान जल्दी से उठ खड़े हुए और उन्होंने वाटर सप्लाई वापस ऑफ कर दी। और उन्होंने कहा, बेसिकली उनके मन में डर था कि शाहजहाँ कहीं और नाराज़ ना हो जाए। जब ये कहानी शाहजहाँ ने सुनी तो शाहजहाँ को प्राउड फील हुआ, उनको लगा कि नहीं, आसिफ खान लॉयल हैं। तो उन्होंने वापस इस गार्डन की वाटर सप्लाई ऑन कर दी। ये गार्डन दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 टेरेस हैं और हर एक टेरेस जो है वो एक जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो इस सीरीज में अब हम पढ़ेंगे वो है चश्मा शाही। चश्मा शाही बनाया गया था ऑन 1632 और ये बनाया था अली मर्दान खान ने। आप में से बहुत लोगों ने अली मर्दान खान का नाम नहीं सुना होगा। बेसिकली शाहजहाँ के राज में गवर्नर हुआ करते थे। शाहजहाँ ने गार्डन अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोही के लिए बनाया था। जब आप चश्मेशाही को एंटर करेंगे तो ईस्ट की तरफ यू विल फाइंड परी महल। बेसिकली ये वो जगह थी जहां दारा शिकोहे एस्ट्रोलॉजी सीखा करते थे और ये वही जगह थी जहां उन्होंने औरंगजेब को भी मारा था। और अगर आप प्लान कर रहे हैं चश्मेशाही विजिट करने के लिए तो लेट मी हेल्प यू। ये गार्डन श्रीनगर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल साथ में है राजभवन के, जो गवर्नर हाउस है उसके बिल्कुल साथ है। और द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस गार्डन इज मार्च से लेके नवंबर तक। बहुत अच्छा गार्डन है, पूरे 1 एकड़ में फैला हुआ है गार्डन। द नेक्स्ट अप इन दिस सीरीज इज गुलमर्ग। तो गुलमर्ग बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इस जगह का पहले नाम गौरी मार्ग हुआ करता था, जो हिंदू गॉडेस है हमारी देवी देवी गौरी, उनके नाम पर होता था। तो बाद में यहाँ पे एक रूलर आए थे जिनका नाम था यूसुफ शाह, उन्होंने यहाँ का नाम बदल दिया था, गुलमर्ग कर दिया था। गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। तो जब यहाँ 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट की थी। सबसे पहले उन्होंने 3 गोल्फ कोर्स बनवाए थे यहाँ पे, जिनमें से एक गोल्फ कोर्स तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने महिलाओं के लिए बनाया था। 1927 में भी ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स की, उन्होंने यहाँ को एक विंटर स्पोर्ट्स हब बना दिया। और आज CNN न्यूज़ के अनुसार जो गुलमर्ग है हमारे पास, ये हार्टलैंड है विंटर स्पोर्ट्स का पूरे भारत का। बहुत ही सुंदर जगह है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो श्रीनगर के थ्रू वाया तनमर्ग रोड से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो है हरी पर्वत। तो हरी पर्वत पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप इस वीडियो को लाइक करें। मैंने कोशिश की है कि हर एक जगह के साथ उसके रिलेटेड जो स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको याद करने में इजी हो सके। तो अब शुरू करते हैं हरी पर्वत। हरी पर्वत बेसिकली पहाड़ है, पर्वत का मतलब ही पहाड़ होता है, ठीक है। और इस जगह की जो मेन इम्पॉर्टेंस है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट कह लो, वो ये है कि यहाँ पे आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, एक टेम्पल भी देखने को मिलेगा हिंदू, एक मॉस्क भी देखने को मिलेगी और एक दुरानी फोर्ट भी यहाँ की इम्पॉर्टेंस है, अट्रैक्शन पॉइंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुरानी फोर्ट के बारे में। जो दुरानी फोर्ट है उसका जो बेसिक आइडिया आया था वो अकबर को आया था। बेसिकली उन्होंने इसकी जो फाउंडेशन है, जो वॉल्स थी चारों तरफ की, वो बनवाई थी 1590 में, लेकिन उन्होंने इसको कंप्लीट किया नहीं। इसको कंप्लीट किया था शुजा शाह दुरानी ने और ये कंप्लीट हुआ था 1808 में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने की, कि ये कम्प्लीट हुआ था 1808 में, दुरानी फोर्ट कम्प्लीट हुआ था 1808 में, और किसने किया था, शुजा शाह दुरानी ने कम्प्लीट किया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हिंदू टेम्पल के बारे में। ओके, तो हरी पर्वत के अंदर अब हम पढ़ेंगे हिंदू टेम्पल के बारे में। तो हिंदू टेम्पल का नाम है शरिका टेम्पल, ठीक है। इन्हें लोकल लैंग्वेज में हम प्रदुबंध पीठ भी बोलते हैं। इस जगह की इम्पोर्टेंस कश्मीरी पंडित और हिंदू फॉलोअर्स जो है हमारे, उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनके बीच में इस जगह की। तो बेसिकली यहाँ पे पूजा की जाती है जगदम्बे शरिका भगवती की, ठीक है। अब ये जो मूर्ति है इनकी, जो भी चित्र लगा है वहाँ पे इनका, उनकी 18 आर्म्स दिखाई गई हैं और वो बैठे हुए हैं श्री चक्र के ऊपर, ठीक है। इनका नाम शरिका इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो मूर्ति है उनकी जो सिटिंग दिखाई है वो श्री चक्र के ऊपर दिखाई है, इसलिए इनका नाम शरिका पड़ा है, ठीक है। तो अभी तक हमने हरी पर्वत के अंदर हिंदू टेम्पल पढ़ लिया और दुरानी फोर्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है मुस्लिम श्राइन्स।
हरी पर्वत में जो मुस्लिम श्राइन्स हैं हमारे पास, उनमें से एक जो है वो है मखदूम साहिब। मखदूम साहिब जो श्राइन है उनका नाम रखा गया था हमजा मखदूम के नाम पे। हमजा मखदूम कौन थे? बेसिकली ये 16वीं शताब्दी के एक कश्मीरी सूफी सेंट थे। इन्हें लोकली हजरत सुल्तान भी बोला जाता था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हरी पर्वत की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे सीरीज में वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिस्पेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जगह है कश्मीर की, दैट इज हजरत बल श्राइन। जो हजरत बल श्राइन है इसमें जो वर्ड है हजरत बल, तो हजरत को अलग किया जाए, बल को अलग किया जाए, जो हजरत शब्द है ये फारसी लैंग्वेज का शब्द है और जो बल है हमारे पास ये कश्मीरी लैंग्वेज का शब्द है। हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और बल का मतलब होता है प्लेस, तो इसे जब हम कंबाइन करते हैं बन जाता है रिस्पेक्टेड प्लेस। ठीक है, इनकी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारे मुस्लिम भाई है उनके लिए इस जगह की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो हमारी डल लेक है उसके नॉर्दर्न साइड पे लोकेटेड है श्रीनगर में, और ये कश्मीर की होलीएस्ट मुस्लिम श्राइन है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे इज जामिया मस्जिद। तो जामिया मस्जिद इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जामिया मस्जिद बनाई गई थी बाय सुल्तान सिकंदर, नाम आपको याद रखना है सुल्तान सिकंदर। शुरू हुई थी 1394 में, कंप्लीट हुई थी 1402 में। आपको याद रखना है 1402 पेपर में आता है, मार्क करना 1402। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की। तो ये इंडियन और मुगल मिक्स्ड है, ब्लेंड है उन दोनों का। लोकेटेड कहाँ पे? डाउन टाउन में लोकेटेड है। डाउन टाउन को हम श्रीनगर का ओल्ड सिटी भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर की। अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं जामिया मस्जिद की, ज़्यादा दूर नहीं, सिख डायनेस्टी तक ही अगर हम जाते हैं तो वहाँ महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, 1819 से लेके 1846 तक ये बंद रही थी मस्जिद। ठीक है, बेसिकली उनके गवर्नर थे एक गुलाम मुहीउद्दीन। ठीक है, नाम याद रखना है गुलाम मुहीउद्दीन। उन्होंने 1843 में इसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की थी। ठीक है, 46 तक ये बंद रही थी, 43 की बात है कि उनकी उन्होंने इनकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की थी इस जगह की, और उन्होंने यहाँ पे 1,00,000 से ज़्यादा रुपए लगाए थे। ठीक है, तो 1,00,000 उस ज़माने के आप आज के ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते, उस ज़माने के 1,00,000 की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो जामा मस्जिद की हिस्ट्री रही है कि ये काफ़ी बार बंद हुई है मस्जिद। ठीक है, काफ़ी बार इसको बंद किया गया है। वो इसलिए किया गया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, 30,000 प्लस की कैपेसिटी है यहाँ पे, और जब इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक साथ तो यकीन मानिएगा अगर आप 30,000 लोगों में खड़े हैं ना तो आपको वो 30,000 लगेंगे नहीं, आपको लगेगा पता नहीं कितने 1-2 लाख लोग हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे ये बन जाता है कि कई बार यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा चलता है, और जब वो एजेंडा चलता है ना तो कई बार सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आ पाती, मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन आती है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है खानका शाह हमदानी। खानका शाह हमदानी 1395 में बनी थी, इन्हें बनाया गया था शाह सिकंदर द्वारा। नाम याद रखना शाह सिकंदर द्वारा, और ये बनाया किसकी याद में था? ये बनाया था सैयद अली हमदानी की याद में, जिन्हें शाह हमदान भी बोला जाता है। बेसिकली शाह हमदान कौन थे? ये एक प्रीचर थे, प्रचारक थे। ठीक है, पर्शिया से आए थे। ठीक है, और सिटी का नाम है हमदान। ठीक है, पर्शिया की जो सिटी थी उस जगह का नाम है हमदान। ये वहाँ से आए थे और ये प्रचार करते थे धर्म का। ठीक है, तो ये खानका शाह हमदानी या खानका शाह हमदान उनके नाम पे रखा गया है। इनके बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत सारे नाम है। ठीक है, खानका ऑफ शाह हमदान, ठीक है, खानका मॉस्क, शाह हमदान मस्जिद, या खानका ए मौला। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो 1395 जो डेट है, बनाई थी शाह सिकंदर ने, और ये जो लोकेटेड है ये रिवर जेलम के बैंक पे लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। अंदर जो एरिया है वो वुडन स्ट्रक्चर से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं वुडन स्ट्रक्चर का एरिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनकी मान्यता है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे इस सीरीज में वो है पहलगाम। पहलगाम की अगर बात करें तो ये अनंतनाग से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिद्दर। अगर आपको क्वेश्चन आए कि पहलगाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आपने लिखना है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ का मेन इशू है टेम्परेचर।
ठीक है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन के रह जाती है। यहाँ लोग कम बस पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेन इशू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। आप देख सकते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे लगभग 6000 लोग हैं, ठीक है। एक ऐसी जगह, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत फराटेदार तरीके से ग्रो कर रही है। हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन में एक ऐसी जगह जहाँ 6000 लोग हैं, ये बताने के लिए आपको काफ़ी है कि यहाँ टेम्परेचर की कितनी मार पड़ती है, ठीक है। बाकी मैंने ब्यौरा दिया हुआ है कि मेल 56% है, फीमेल 44% है, ये आपकी जानने के लिए है। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इतना है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे आता है, लिद्दर रिवर के बैंक पे आता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा मार है, बस ज़्यादा आपने इसमें कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है शंकराचार्य टेम्पल। ओके, तो शंकराचार्य टेम्पल का दूसरा नाम है जितेश्वरा टेम्पल, ठीक है। स्टोरी ये है कि एक बार आदि शंकराचार्य ने यहाँ विजिट किया था, उन्हीं के नाम पे ये शंकराचार्य टेम्पल रखा गया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो बना है, ये एक सॉलिड रॉक पे बनाया गया है, ठीक है। सॉलिड रॉक पे ये फाउंडेशन जो है वहाँ पे रखी गई है, और आपको ये जो ऑक्टागन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मंदिर का, ठीक है, इसकी जो अंदर से जाके आपको लेंथ दिखेगी, ये 20 फुट लंबा है, तो ये छोटा नहीं है। फोटो में आपको भले छोटा लग रहा हो, लेकिन ये अंदर से 20 फुट लंबा है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो 243 स्टेयर्स है, जो आपको यहाँ तस्वीर में नहीं दिख रही है। 243 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर पहुंचोगे, और ये 8-10 सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वो इसके बाद की बात है, ठीक है। तो 8-10 सीढ़ियाँ और हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ये है कि ये 5 बजे शाम को बंद हो जाता है, मतलब मंदिर 8 बजे बंद होगा, लेकिन 5 बजे के बाद गाड़ियां ले जाना इस रूट पे बंद हो जाता है, ठीक है। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, भगवान शिव का टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। 1000 फीट ऊपर है वैली से, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं आपको पूरी श्रीनगर की सिटी दिखेगी, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है सोनमर्ग। ओके, तो जब आप श्रीनगर से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, और वहां आपको सोनमर्ग मिलेगा, ठीक है। सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की, 392 है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, तो बहुत कम पॉपुलेशन है। इशू यहाँ ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे गिरता है, विंटर्स के वक्त बहुत हैवी स्नोफॉल होती है, एवलांच वगैरह बहुत कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। जब टेम्परेचर इतना कम गिर गया तो परमानेंट रेजिडेंट्स हार्डली मिलेंगे, लोग रह नहीं पाते हैं यहाँ पे। ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किसी वक्त गर्मियों में ली गई एक तस्वीर है। यूजुअली यहाँ पे बर्फ बर्फ से घिरा हुआ रहता है, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, परमानेंट रेजिडेंट्स हार्डली मिलते हैं, सीजनल होते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट्स भी हैं वो सीजनली रहते हैं, जब टूरिज्म आ रहा होता है, टूरिज्म पीक पे होता है तो यहाँ आ जाते हैं, वरना मूव आउट कर जाते हैं जगह से, ठीक है। 392 पॉपुलेशन है, याद आपको ये रखना है कि गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर की तरफ नॉर्थ ईस्ट अगर आप 80 किलोमीटर जाओ तो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी मंदिर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर अ कश्मीरी पंडित और अ हिंदू फॉलोअर, ठीक है। कश्मीरी पंडितों के बीच में इस मंदिर की बहुत मान्यता है, मैंने खुद काफी लोगों से इस मंदिर के बारे में सुना है, कश्मीरी पंडितों से स्पेशली, ठीक है। तो बहुत लोग बातें करते हैं यहाँ की मान्यता के बारे में, यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में, बहुत लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो एक विलेज है तुलमुल नाम से, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। बेसिकली जब आप श्रीनगर से 14 माइल्स ईस्ट की तरफ जाएंगे, 14 माइल्स बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, किलोमीटर नहीं, 14 माइल्स जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो विलेज आती है तुलमुल विलेज, वहाँ पर ये मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो भी ओकेजनली रंग बदलता रहता है, ठीक है। आसपास जो पत्थर लगे हुए हैं वो बहुत सुंदर है, स्मूथ पत्थर, सुंदर पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू फॉलोअर्स हैं, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है ये, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो से इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।